सलामुअलैकुम। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम आमिर। चलें भाई, ठीक है भाई। कल की क्लास में हमने एलिमिनेशन चैप्टर के बेसिक्स किए थे कि भाई किस तरह से हम जो है ना एलिमिनेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन एलिमिनेशन चैप्टर में मैंने आपको ये सिखाया था कि हम किस तरह से जो है ना वो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, किस तरह से कंपैरिजन करते हैं। तो कल हमने बहुत सारे इसके सवालात भी किए थे, एमसीक्यूज़ भी मैंने आपको कराया था कि देखें इस तरह से एमसीक्यूज़ आपके पास बनकर पेपर में आ जाएगा। ठीक है भाई, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटली जो कल की कहानी थी वो इसी बात पर डिपेंड करती थी कि भाई आपको बेसिक अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई बेसिक क्या है इसकी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको एक सवाल भी दिया था कल वाली क्लास में कि आप उस सवाल को कीजिएगा। ठीक है, तो कितने लोगों ने किया भाई सवाल? आमिर, नबिया, उस्मान, सवालात किए बेटा आप लोगों ने? हाँ भाई, सवाल दिया था मैंने आप लोगों के करने के लिए कि कल की क्लास में जो सवाल है वो आप सॉल्व करके आइएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भाई आंसर इसका क्या आया। हाँ भाई, किसी ने किया है वो सवाल? अच्छा, आज की क्लास में ना हम पास्ट पेपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पास्ट पेपर प्रॉब्लम हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, और इंशाल्लाह जब इसको इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरह से हम पास्ट पेपर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले जो है ना तुम्हारे पास 2019 का एक क्वेश्चन है। 2019 में एक सवाल आया था हमारे पास, दैट इज़ एक्स प्लस 1/x इज़ इक्वल टू 2p और एक्स माइनस 1/x इज़ इक्वल टू 2q+1। सही है, और वो कहता है एलिमिनेट एक्स। सही है, एक्स को एलिमिनेट करें। ठीक है, तो एक्स को अगर हमें एलिमिनेट करना है तो हम किस तरह से इक्वेशन में एक्स को एलिमिनेट करेंगे? अब देखो, ये जो तुम्हारे पास दोनों इक्वेशन तुम्हें नज़र आ रही है ना, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, इन दोनों में से किसी से भी एक्स अलहदा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं इस एक्स को 1/x को उधर ले जाता हूँ तो ये उधर जाएगा तो ये वाला एक्स बचेगा, और मैं इसको ज़ीरो कर नहीं सकता, बात तो वही हो जाएगी। तो जब भी तुम्हें ऐसा नज़र आ जाए ना कि मैं किसी भी इक्वेशन से एक्स को अलहदा नहीं कर सकता, ठीक है, तो तुम क्या करो, तुम हमेशा जो है ना इसको स्क्वायरिंग के थ्रू सॉल्व करोगे। अगर तुम्हारे पास दोनों इक्वेशन में एक्स की जो डिग्री है वो 1 के बराबर हो, ठीक है, जैसे इसमें एक्स की डिग्री 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें एक्स की डिग्री 1 है, इसमें भी 1 है, दोनों इक्वेशन देखने में एक जैसी है दोनों इक्वेशन देखने में क्या है, एक जैसी है, लेकिन दोनों में से एक्स को आप अलहदा नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? सही है। हाँ बोलो सोनू, क्या कह रहे हो? ठीक है, अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट वाली इक्वेशन को लेना है और लेके दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देनी है। क्या करोगे बेटा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2p का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ आप क्या कर दोगे? स्क्वायरिंग कर दोगे। ठीक है, अभी बेटा सिर्फ स्टार्ट किया है मैंने, दो इक्वेशन दी हुई है, अगर आपको दोनों इक्वेशन देखने में एक जैसी लग रही हो और सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क हो तो आप किस तरह सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने करना है ये फर्स्ट इक्वेशन उठानी है और इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देनी है। क्या करेंगे? पहली इक्वेशन उठाएंगे और इसमें दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो देखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी। अरे बात समझ में करवाऊंगा बेटा, इसके बाद करवाऊंगा इंशाल्लाह, तो चैप्टर स्टार्ट होगा तो कराऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपके पास ए की वैल्यू है और ये जो वैल्यू है आपके पास बी की वैल्यू है, तो बेटा आप फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4p². अब ये 4p² कहाँ से आ गया? तो आप प्रीवियस पेज देखें, 2p का स्क्वायर है ये। 2p का स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है? 4p के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और पी का स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे एक्स, यहाँ पे भी एक्स, ये 1/x और ये 1/x।
अब आप ज़रा देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये वाला एक्स से ये वाला एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जाएगा एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन हो जाएगा और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये फोर पी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का टू बचा है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस का टू। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर वन। यहाँ तक की बात क्लियर? पहली इक्वेशन उठाई और इसमें क्या कर दिया हमने, स्क्वायरिंग कर दी है, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन उठाएंगे, प्रीवियस पेज पे जाएं, देखेंगे दूसरी इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है, जो दोनों सवाल में दी हुई है, सही है। अच्छा ठीक है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स जो है वो मेरे पास टू क्यू प्लस वन के बराबर है, इस पर भी मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा, कंसिडर करूंगा मैं, सही है। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू क्यू प्लस वन, सही है, देखो प्रीवियस पेज में ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस पर आपने क्या करनी है, स्क्वायरिंग कर देनी है, ठीक है। स्क्वायरिंग जब आप करेंगे तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ पे हो गया टू क्यू प्लस वन का होल स्क्वायर। इस पर फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, एंड सेम यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर? चलें अब देखें आप यहाँ पे, यहाँ पे ये एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और बाकियों को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब बाकियों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर, ये वन बाय एक्स स्क्वायर हो गया, वन का स्क्वायर वन होगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे फोर क्यू स्क्वायर हो गया, टू टू दा फोर क्यू प्लस का वन, और माइनस का टू उधर जाके क्या होगा, प्लस का टू हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। टू का स्क्वायर फोर हो गया, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गया, टू टू ज़ा फोर क्यू हो गया और वन का स्क्वायर वन हो गया। सर ये माइनस इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया। अब आप देखें आगे नेक्स्ट पे, अगर आप पीछे जाते हैं तो देखिए ये टू प्लस वन आपके पास थ्री हो जाएगा, तो फोर क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर क्यू स्क्वायर प्लस का फोर क्यू प्लस का थ्री। ये इक्वेशन नंबर टू हो गई आपके पास। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखें प्रीवियस पेज पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन ये है मेरे पास, नज़र आ रहा है आपको, तो ये इक्वेशन नंबर वन को मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पी स्क्वायर माइनस टू, सही है, ये इक्वेशन नंबर वन है। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे एक्स को एलिमिनेट करना है तो क्या मैं कंपेरिजन कर सकता हूँ? हाँ भाई, अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो क्या मैं इसको कंपैरिजन से ख़त्म कर सकता हूँ? कल मैंने आपको सिखाया था, देखें कर सकते हैं नहीं कर सकते बेटा, ज़रा मुझे देख के बताओ। हाँ भाई, कंपैरिजन से ख़त्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो इस तरह कर सकते हैं कि भाई देखो दोनों की एक साइड सेम है आपके पास, ये जो इतनी मेहनत हुई है ना वो इसी वजह से हुई है, ये जो इतनी मेहनत हुई है वो इसी वजह से हुई है। अब मैं इसको कंपेयर कर लूँगा, कंपेयर वन एंड टू, वन और टू को आप क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, तो जब कंपेयर करेंगे तो फोर क्यू स्क्वायर प्लस का फोर क्यू प्लस का थ्री इज इक्वल टू फोर पी स्क्वायर माइनस टू, तो फोर क्यू स्क्वायर फोर क्यू प्लस माइनस फोर पी स्क्वायर माइनस का टू पी प्लस का थ्री, इन दैट जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो ये आएगी, सही है। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लस का फोर पी स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया और प्लस का थ्री उधर जाके माइनस हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे एक मिस्टेक हुई मुझसे, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा तो दिस विल बिकम माइनस फाइव, ठीक है, सही है भाई, क्लियर हो गई बात, सबको बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेजन थी, दो इक्वेजन थी जिनको हमने सॉल्व करके क्या किया भाई, हमने एक्स को एलिमिनेट कर दिया। ये आपके पास पेपर में 2019 का क्वेश्चन है बेटा, 2019 में आपके पास पेपर में ये सवाल आया हुआ है, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है, क्लियर है भाई। अफसा, नबीहा, मोहम्मद उस्मान, हाँ भाई सोनू, क्लियर भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया 2019 का, ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, तो इंशाल्लाह आप जब इसके क्वेश्चन को करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। मैं दोबारा एक दफ़ा और रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। देखो
देखो सबसे पहले आपके पास दो इक्वेशन गिवन थी, अब आपको कैसे पता चलेगा सर फॉर्मूला लगाने हैं। दो इक्वेशन अगर गिवन हो तो और सिर्फ प्लस माइनस का फर्क हो तो आपने हमेशा यही काम करना है जो अभी मैंने आपको सिखाया है। आप पहले वाले में क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, ये पहले वाले में आपने स्क्वायरिंग की दोनों तरफ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया आपने, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, प्लस का टू उधर जाके माइनस का टू हो गया, ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन आपने कंसिडर की, दोबारा इस पर फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस पर भी फॉर्मूला लग गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का अगर फॉर्मूला लगा तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दिया आपने। अब आपने इसको मज़ीद सॉल्व किया तो ये आपके पास ये बन गया। ठीक है, ये वाली इक्वेशन बन गई। मैंने टू और वन को एक साथ लिख के फिर इसको क्या करवा दिया, कंपेयर करा दिया। जब कंपेयर कराएंगे तो कंपेयर करने के बाद ये मेरे पास सिचुएशन बन रही थी, प्लस के फोर पी स्क्वायर को इधर लाके मैंने माइनस किया है, माइनस का थ्री उधर जाके प्लस का थ्री उधर जाके माइनस हो गया, ये सॉल्व करके आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, फटाफट आप मुझे पाँच मिनट में करके इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। ठीक है, चलिए 2018 ये कर लें, आपको फिर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अपने पेपर के लिए। चलो जल्दी से करके मुझे आंसर बताओ, इसमें भी आपको एलिमिनेट करना है एक्स को। ठीक है, चल जल्दी से करें और करके आंसर बताएं। सही है भाई, जल्दी जल्दी करो भाई इसको, शाबाश सारे लोग भाई फटाफट। जी जी नबी आप बोलें। बेटा सवाल तो मैं सारे करा रहा हूँ आपको, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी करो भाई सारे शहजादों, फटाफट भाई फटाफट, आसान सा सवाल है, पिछला वाला मुश्किल था, लेंदी भी था, ये आसान सा सवाल है बहुत। ठीक है, फटाफट भाई, ऑनलाइन की क्लास में टीचर से ज़्यादा बच्चों की मेहनत होती है भाई। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे उतने अच्छे आप लोग के नंबर आएंगे। ठीक है, कोशिश किया करें क्लास क्लास देते वक्त पेन पेंसिल कॉपी बुक सब आपके सामने हो ताकि आप मुझे जल्दी से जल्दी जवाब दे सकें। अफसा गुड बेटा, थैंक यू बेटा, ज़बरदस्त, ठीक है बेहतरीन हो गया। चलें भाई और कोई भाई, जल्दी जल्दी भाई फटाफट आंसर बताओ भाई। हाँ भाई नबिया का भी आंसर आ गया सर, ये आंसर होगा। ठीक है, हाँ भाई बाकी लोग भाई, मोहम्मद समी मोहम्मद उस्मान किंजा, हाँ भाई फटाफट भाई। हाँ भाई सॉल्व कराऊँ मैं फिर इसको। चलो देखो सबसे पहले क्या करोगे तुम, तुम्हें देखो एक इक्वेशन दी गई है और दूसरे में स्क्वायर मौजूद है, बस सिंपल सी कहानी करनी है तुमने, तुमने इसको भी क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दोगे, स्क्वायरिंग। फॉर्मूला लगेगा बेटा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस का टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू वन बाई एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस टू, यहाँ पे भी एक्स वन बाई एक्स और वन बाई एक्स का क्या हो गया स्क्वायर, ये आपके पास बन जाएगा फोर ए स्क्वायर। क्या बनेगा आपके पास, फोर
फोर ए स्क्वायर कैसे बनेगा, क्योंकि टू का स्क्वायर फोर होता है और ए का स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पे ये वाला एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक न्यूमरेटर में दूसरा डिनोमिनेटर में। तो बेटा यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर प्लस का टू, दैट इज योर इक्वेशन नंबर वन। सही है, क्या आपके पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, आपके पास इक्वेशन नंबर क्या बन गई, वन बन गई। और ये है इक्वेशन नंबर टू। बताओ भाई वन और टू को कंपेयर करा सकते हैं भाई, वन और टू को कंपेयर करा सकते हैं? हाँ भाई जल्दी जल्दी बताओ भाई, हाँ भाई वन और टू को कंपेयर करा सकते हैं भाई, करा सकते हैं ना? तो वन और टू को जब आप कंपेयर कराओगे यहाँ पे, कंपेयर वन एंड टू, वन और टू को कंपेयर कराओगे प्रीवियस पेज में जाके देखो, इसकी ये वाली साइड सेम है। अगर ये सेम है तो राइट वाली साइड भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। राइट वाली साइड बराबर होने का मतलब क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर प्लस का टू। तो आप यहीं पे छोड़ दें, ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गई, यही एलिमिनेशन ऑफ एक्स है। क्लियर हो गई बात सबको, बहुत आसान सा सवाल था ये, और इससे पिछला जो मैंने आपको सवाल कराया ना, वो समझ लीजिए 3 सालों में आया हुआ है, 2017-19 में आया है, 2017 में आया है, 2010 में आया है। इससे पिछला वाला सवाल 2010-17 और आपके पास कब आया, 2010 में भी आया हुआ है। सही है, 2019-2017-2010, तो बहुत आराम से आप इसके क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको अगला सवाल कराता हूँ, ठीक है, नोट कर लिया सबने, चलें आगे चलें फिर, ठीक है, आगे चलें, चलो। अच्छा भाई अब देखो अगला सवाल है हमारे पास 2016 में यह सवाल आया था हमारे पास, ठीक है। क्या सवाल है बेटा, y प्लस वन ओवर y इज इक्वल टू टू ए के बराबर है, और आपके पास y माइनस वन अपॉन y इज इक्वल टू टू बी प्लस वन के बराबर है। चलो भाई करोगे तुम लोग, पहले तुम लोग ट्राई कर लो जल्दी से फटाफट, और एलिमिनेट करना है आपने इससे y को, एलिमिनेट करें y को। सही है रितेश बेटा, ये मैट्रिक एसएससी की क्लास हो रही है, ठीक है, ये किसी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में नहीं आया था, ठीक है, ये मैट्रिक की क्लास है हमारी, और इसके अंदर हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो एलिमिनेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो जल्दी से करो भाई, करके मुझे बताओ फटाफट क्या आंसर आ रहा है इसका। एमसीक्यूज अभी करा रहा हूँ मैं, बस ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाए एमसीक्यूज कराऊंगा फिर, ठीक है। जो भी एमसीक्यूज आपके पास आए हुए पेपर में, तो इंशाल्लाह भी वो मैं कराता हूँ आपको, इसके एमसीक्यूज बहुत कम आते हैं, ठीक है। हाँ भाई जल्दी जल्दी करके बताओ भाई, मुझे सारे आंसर बताओ फटाफट। शाबाश, वेरी गुड भाई, क्लास लो तो भाई पैसे वसूल, ठीक है, मतलब समझ में आना चाहिए कि भाई क्लास ली है तुम लोगों ने, ठीक है। हाँ भाई फटाफट भाई, जल्दी जल्दी शाबाश, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। ठीक है फटाफट भाई, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी शाबाश। अब ऐसा भी नहीं करना है बुक खोल के पीछे से आंसर देख के बता देना है कि सर ये आंसर आ गया, ठीक है, थोड़ा सा सिंसियर होके क्लास में पढ़ना है, ये आपके लिए आप पढ़ लें, ठीक है, तो इसमें आपको आसानी रहेगी फिर चीज़ों में। चलो वालेकुम अस्सलाम, हाँ भाई हो गया, चलो भाई फर्स्ट ईयर मैथ्स की क्लासेस कब से होंगे, इंशाल्लाह जब होंगी फिर हम आपको बता देंगे, ठीक है। अच्छा आप ऑनलाइन का पूछ रही हैं, इन कैंपस का पूछ रही हैं बेटा, ऑनलाइन का पूछ रही हैं, इन कैंपस का पूछ रही हैं, कैंपस में पढ़ेंगी ऑनलाइन पढ़ेंगी, किस तरह पूछ रही हैं आप? हाँ भाई अच्छा, अभी हमारा जो है ना एक फर्स्ट ईयर का बैच भी इंशाल्लाह स्टार्ट होगा, तो अगर आप लोगों में से कोई किसी के बहन भाई वगैरह हैं जो फर्स्ट ईयर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। दोनों, एक तो अभी हमारा स्टार्ट होगा वो बेसिकली इस साल के इंटर की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है,
तो अगर आप उसमें एनरोल होना चाहती हैं तो फिर उसकी डिटेल आपको एकेडमी वाले बता देंगे, आप अपना नंबर तो आपने दिया हुआ होगा, तो वो आपको इस हवाले से फिर गाइड कर देंगे। ठीक है, चलो चले भाई मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह करेंगे आप। ये पिछले वाले सवाल की तरह है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर इसको हम बल्कि इसको हम एक काम करते हैं, कोई इक्वेशन ना बनाएं, कंसिडर कर लें पहले। ठीक है, देखिए हमारे पास दिया हुआ वाई प्लस वन ओवर वाई विच इज़ इक्वल टू टू ए, आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें। क्या करेंगी, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगी, तो बेटा ये हो गया वाई प्लस वन ओवर वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए का स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास, ज़रा देखिएगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा। तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक हो गया मेरे बच्चे, ठीक हो गया, ठीक है, फिजिकल और ऑनलाइन दोनों। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर हो गया प्लस का टू ए बी हो गया प्लस का बी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, अच्छा अगर आप प्रीवियस से भी देखेंगे तो ये टू ए है, टू ए का स्क्वायर कितना बनेगा भाई, टू ए का स्क्वायर बनेगा फोर ए स्क्वायर। अब देखो भाई बारिश होगी, बूंदे गिरेंगी, ये कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस का वन अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए स्क्वायर माइनस टू, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर वन। आ गई बात समझ में, प्लस का टू उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का टू हो जाएगा। अब आप दूसरी इक्वेशन को कंसिडर करेंगे, ठीक है, प्रीवियस पेज में देखें दूसरी इक्वेशन ये दी हुई आपको। ठीक है, तो आप दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए y माइनस वन अपॉन वाई, ठीक है, y माइनस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या होगा भाई, चल देखिए भाई y माइनस वन अपॉन वाई, y माइनस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ बेटा, इज इक्वल टू में दिया हुआ टू बी प्लस वन, टू बी प्लस वन। अब स्क्वायरिंग करेंगे आप दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोबारा स्क्वायरिंग करेंगे तो y माइनस वन अपॉन वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, टू बी प्लस वन का होल स्क्वायर। अगेन फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल इस तरफ और a प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरफ। तो देखो बेटा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अभी हम खोलेंगे आखिर में। अब देखो दोबारा यहाँ पे कैंसिलेशन होगी, ये वाले y से ये वाला y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू, इसको खोलेंगे तो कितना बन जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा टू बी, यहाँ पे भी आ जाएगा टू बी, यहाँ पे आ जाएगा वन, यहाँ पे आ जाएगा वन, तो ये बना वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर बी स्क्वायर प्लस का फोर बी प्लस का वन माइनस का टू उधर जाके हो जाएगा प्लस का टू, माइनस का टू उधर जाके क्या हो जाएगा। हाँ बेटा पेपर में ज़रूर लिखना है आपने, ठीक है पेपर में ज़रूर लिखना है। ये हो गया फोर बी स्क्वायर प्लस का फोर बी और प्लस का थ्री, ये आपके पास इक्वेशन नंबर टू आ गई। अब आप ज़रा नज़र डालें प्रीवियस पे जाके, देखें इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू दोनों की एक साइड सेम हो चुकी है, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू दोनों की एक साइड क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है। जब सेम हो जाएगी तो हम उसको क्या करते हैं, कंपेयर करवा लेते हैं। हम क्या करते हैं बेटा, कंपेयर करवा लेते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर वन एंड टू। अब वन को जब आप कंपेयर कराएंगे बेटा तो वन की जो साइड सेम है उसको तो नहीं लिखेंगे, लेकिन जो साइड सेम नहीं है उसको ज़रूर लिखेंगे आप। तो ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर माइनस का टू इज इक्वल टू, सही है, हाँ भाई ठीक है भाई। अब आप देखें प्रीवियस पेज पे दोबारा जाएं, यहाँ पे ये बच रहा फोर बी स्क्वायर प्लस का फोर बी प्लस का थ्री, फोर बी स्क्वायर प्लस का फोर बी प्लस का थ्री। आप चाहें तो दोनों को एक तरफ कर लें या कांस्टेंट को इधर छोड़ दें, तो माइनस का टू माइनस का थ्री हो गया, फोर बी स्क्वायर प्लस फोर बी यहाँ रह गया, प्लस का थ्री उधर आ गया माइनस हो जाएगा, ये प्लस उधर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो आपके पास माइनस फाइव इज इक्वल टू फोर बी स्क्वायर प्लस का फोर बी माइनस का फोर ए स्क्वायर, दिस इज़ योर फाइनल इक्वेशन। ठीक है सही है भाई, बात समझ में आ गई सबको बेटा। एमसीक्यूज ना भैया मैं हर चैप्टर के एंड में कराता जाता हूँ, ठीक है, तो आप
अगर आप पहले से पढ़ रही हैं तो आपको पता भी होगा कि हम चीज़ें मतलब उसी लेवल से लेके चलते हैं कि मतलब जो चीज़ पेपर में आ रही है आपके पास, ठीक है। जैसे ये पेपर में आने वाली चीज़ें तो मैं इनको करा रहा हूँ, अभी MCQs भी फिर मैं इसके बाद डिस्कस कर लूँगा, ठीक है भाई। यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई, आगे चलें, आगे चलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, ये क्वेश्चन बड़ा आराम से हो गया हमारे से, ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था, ठीक है। अगला सवाल मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, फटाफट आप मुझे करके आंसर बताइए, ठीक है। चलें क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास आया हुआ 2000 आपके पास 13 में, 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा 2013 का क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ भाई, वाई प्लस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू ए और वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a2। एलिमिनेट करें वाई को, किसको एलिमिनेट करना है, वाई को। चले बेटा नबिया, अभी मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, ठीक है। फटाफट बेटा नोट करो और इसको ज़रा सॉल्व करके मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। हाँ भाई हो गया, भाई हो गया, हाँ भाई क्या आंसर आ रहा है भाई। नबिया, किंजा, रितेश, उस्मान, मोहम्मद समी, ठीक है इंशाल्लाह कर दूंगा मैं। हाँ भाई हो गया, क्वेश्चन हो गया, देखो ये पिछले वाले सवाल से ना मिलता जुलता हुआ सवाल है और आसान है। मैंने जो तुम्हें दो क्वेश्चन कराए हैं वो बड़े टफ थे क्योंकि उनके अंदर जो चीज़ें थी बड़ी मुश्किल हो जा रही थी आपके लिए ना, अब डबल डबल फॉर्मूला लग रहा है फिर सॉल्व कर रहे हैं, सही है। चलो भाई आमिर खान का आंसर आ गया माशाल्लाह, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, थैंक यू बेटा। चलें आगे चलें भाई, नबिया, किंजा, हाँ भाई क्या सूरत हाल है भाई, फटाफट, ठीक है। चलें भाई देखें इसके अंदर, देखें भाई आप आपको नज़र आ रहा है भाई कि एक इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है और दूसरे पे स्क्वायरिंग की गई है। एक इक्वेशन आपकी बहुत सिंपल है और दूसरे पे क्या की गई है, स्क्वायरिंग की गई है, स्क्वायरिंग हुई हुई है। तो आप क्या करें, वाई प्लस वन अपॉन वाई को ले लें और इस पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये हो गया वाई का स्क्वायर, यहाँ हो गया 2y, 1/y, फिर 1/y का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। y से y कैंसिल हो गया, अब यहीं पे देख लें आप, देखिए बन गया वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस का 2, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। देखिए प्लस का 2 है उधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा और इसको हम बना ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई, वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a2, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है सर, अब देखें भाई वन और टू की एक साइड तो सेम है तो कंपेयर करा देते हैं, कंपेयर वन एंड टू, ठीक है, कंपेयर वन एंड टू, वन एंड टू में कंपेयर कराएंगे, यहाँ से 4a2 लिखेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस टू लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस टू। तो यहाँ पे अगर आप माइनस टू को इधर भेज दें तो ये प्लस टू हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस का 4a2 इक्वल टू 2, क्लियर भाई, सही है भाई, बात समझ में आ गई सबको, ठीक है, क्लियर है भाई।
हाँ, आप में से कुछ लोगों ने आंसर मुझे गलत बताया और कुछ लोगों ने सॉल्व किया दूसरे तरीके से। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया कि 4a² - a² कर दिया और माइनस का 2 उन्होंने इधर ही रहने दिया, तो ये प्लस का 3a² = -2 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ये भी सही है और ये भी सही है। सही है भाई, बात समझ में आई, क्लियर है भाई सबको कहानी, सबको क्लियर? ठीक है, तो ये हमारे पास सवाल था किसका, 2013 का सवाल था ये। ठीक है, 2013 का सवाल था, कौन सा वाला बेटा, इससे पिछला वाला? ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला सवाल देखो। मैं भैया लास्ट में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2015 का क्वेश्चन है। 2015 में उन्होंने कहा था a² + 1/a² = m² के, और a^4 + 1/a^4 = क्या दिया हुआ है, b4। आपको इसमें से एलिमिनेट करना है a को, एलिमिनेट a। चलो करके दिखाओ बेटा एलिमिनेट फटाफट, शाबाश। सही है भाई, 5 मिनट का टाइम है, फटाफट सब एलिमिनेट करके मुझे a को दिखाओ फटाफट भाई, शाबाश। सही है, एलिमिनेट ए फ्रॉम द इक्वेशंस। ठीक है, एलिमिनेट करना है, किसको एलिमिनेट करना है भाई, ए को एलिमिनेट करना है अपने इक्वेशन से। हाँ भाई, फटाफट ए को एलिमिनेट करो बेटा। ए को एलिमिनेट करो, ए मौजूद नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, और टेक्निक अभी मैंने तुम लोग को बता दी है कि किस तरीके से तुम इसमें एलिमिनेशन को परफॉर्म करते हो। ठीक है, ठीक है भाई, एलिमिनेशन को किस तरह परफॉर्म करते हो, बहुत आसान तरीका है, अगर तुम करना चाहो तो फौरी फौरी तुम इसको बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, किस तरीके से करोगे, जल्दी से फटाफट भाई। ठीक है भाई, अच्छा हमारी जो क्लासेस होती है ना, आपकी मैट्रिक की जो क्लास है, मैट्रिक की क्लास आप ऑनलाइन ले रहे होते हैं, इसके अलावा हमारे लेक्चर्स को आप दोबारा से देख भी सकते हैं, लिंक आपके पास मौजूद होता है। ठीक है, लिंक आपके पास मौजूद होता है, उन लेक्चर्स को आप दोबारा से रिव्यू भी कर सकते हैं, अगर उसमें कोई क्वेश्चन आ रहा हो आपके दिमाग में तो वीडियोज़ में कमेंट कर दिया करें, इंशाल्लाह हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, सारे चैप्टर नंबर 1 मैं पढ़ा चुका हूँ, चैप्टर नंबर 2 मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, चैप्टर नंबर आपके पास 4 भी अभी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 8 आपके पास है, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा चैप्टर नंबर 6 होगा, अलजेब्रिक सेंटेंसेस। तो अगर किसी ने वो अपने वहाँ पे नहीं पढ़ा है, किसी को नहीं समझ में आया है, तो बिल्कुल यहाँ पे ज्वाइन करके पढ़ सकता है, और आप में से जो लोग मतलब जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, अगर उन्होंने भी नहीं पढ़ा, उनको भी कोई मसला है मैथ्स में, तो वो हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लासेज हैं। गूगल फॉर्म पर आप जाकर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे, उसके बाद आपको क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मैथ्स की क्लास हो या फिजिक्स की क्लास हो, दोनों आप ले सकते हैं। ठीक है, चलें भाई आगे चलते हैं भाई, देखें इसमें सवाल आपके पास है, अब देखें इसके अंदर क्या करेंगे आप। ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है, a² + 1/a² = m². अब आप यहाँ पे देखें, स्क्वायर से पावर हो रही है 4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोबारा स्क्वायरिंग की गई है, स्क्वायर से पावर 4 हो रही है, इसका मतलब दोबारा स्क्वायरिंग की गई है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें आप, ताकि आप कंपेयर करा सकें। स्क्वायरिंग करेंगे, m² का स्क्वायर हो जाएगा ये। सही है भाई, दोबारा फॉर्मूला लगेगा a + b के होल स्क्वायर का, ये होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा a² का स्क्वायर, 2a² + 1a² + 1a² की पावर²। अच्छा प्रीवियस पेज में देखें, पावर पे पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, तो ये m की पावर 4 हो गई। अब आप देखें यहाँ पे कैंसिलेशन जो है,
ए स्क्वायर कैंसिल हो गया आपके पास। अब देखें ये ए की पावर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 टू 4 हो जाएगा, तो 1 अपॉन ए 4 हो गया इज इक्वल टू एम 4 माइनस 2 हो गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि प्लस का 2 है, प्लस का 2 उधर जाके क्या होगा, माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस में आप देखें ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, तो आप देखें इसकी और 1 की साइड सेम हो गई है, तो अगर साइड सेम हो गई है तो कंपेयर करा लें। तो एम फोर माइनस टू इज इक्वल टू बी फोर, सॉल्व करेंगे एम फोर इज इक्वल टू बी फोर, माइनस का 2 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 2। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई जिसमें से ए क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ए क्या हो गया आपके पास, एलिमिनेट हो गया, जिसमें ए मौजूद आपके पास नहीं है। ठीक है भाई, किन्जा, नबीहा, उस्मान, समी, ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई किसकी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई किसकी, एलिमिनेशन ऑफ ए की। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस भाई अभी तो मैथ और फिजिक्स की क्लासेस हो रही हैं, बाकी की होंगी इंशाल्लाह तो फिर हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है भाई, चलें आगे चलें भाई, नोट डाउन कर लिया सबने, सबको बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन के आ गई किसकी, भाई देखो नबिया पिछले वाले सवाल में, इस वाले सवाल में हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले इस पर की है स्क्वायरिंग, ताकि हम इसको ना इसके जैसा बना दें। तो स्क्वायरिंग करोगे दोनों साइड, एम स्क्वायर का स्क्वायर एम फोर हो गया। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बन गया, ये इससे कैंसिल हो गया, प्लस का 2 उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, ये 1 हो गया। अगर आप इसको कंपेयर कराएं किससे, 2 से, तो देखें दोनों की साइड सेम है, तो अगर दोनों की साइड आपके पास सेम है तो आप इसको कंपेयर करा लें। कंपेयर कराएंगे तो जो साइड सेम होगी वो ख़त्म हो जाएगी, जो बच गया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, माइनस का 2 जो है वो उधर जाके प्लस हो गया, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन के आ गई। ठीक है भाई, क्लियर हो गई सबको बात। ठीक है, तो यहाँ तक का मामला क्लियर, अगला सवाल करते हैं बेटा। चल, अब्दुल्लाफे भी आ गए माशाल्लाह। चलें भाई नेक्स्ट देखिएगा, इसके अंदर क्वेश्चन देखिए, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसमें लिखा हुआ है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स 2a के बराबर है, और आपको एक्स क्यूब वन अपॉन एक्स क्यूब दिया हुआ है जो कि b क्यूब के बराबर है। देखो भाई, इन सवालों को पहचानने की लॉजिक यही होती है कि आप ये देख लें कि किस तरह की एक्सप्रेशन उन्होंने बनाई है। अगर उन्होंने स्क्वायर किया है तो आप स्क्वायरिंग करेंगे, उन्होंने अगर क्यूब किया है तो आप उसको क्यूब करेंगे। अच्छा सर, हमें कैसा पता चलेगा फॉर्मूला लगाना है? देखो भाई, फॉर्मूला उस वक्त लगता है जब आपको दो एक्सप्रेशन में सेम वैल्यूज़ गिवन हो। सेम वैल्यू से क्या मुराद है? इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन तो सेम हुई, सिर्फ किसका फ़र्क है, पावर का फ़र्क है। तो अगर ये पावर का फ़र्क आ रहा हो तो सिंपली आप क्या करें, जो पावर है वो दोनों एक्सप्रेशन में सेम कर दें। अब आप देखिए मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें करूँगा भाई x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर है किसके, 2a के। तो मैं क्यूब ऑन बोथ साइड लूँगा, क्योंकि मुझे क्यूब वाली इक्वेशन चाहिए। अब a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ आपको, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का b क्यूब, सही है, सबको याद होगा। ठीक है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का क्या हो गया, b क्यूब। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, a प्लस बी के होल क्यूब का। a प्लस बी के होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का b क्यूब। ए और बी क्या चीज़ है वो भी देख लीजिए, यहाँ पे ए आपके पास एक्स है और ये बी आपके पास वन बाई एक्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में हम क्या करेंगे, इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये एक्स का क्यूब हो गया प्लस 3 ए स्क्वायर बी, ठीक है, ठीक है भाई, और फिर क्या होगा आपके पास, प्लस 3 ए बी स्क्वायर और प्लस का बी क्यूब। ठीक है बेटा, और इज इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है, वन बाय एक्स का क्यूब। और दूसरी तरफ जो वैल्यू है बेटा प्रीवियस वाले में, उस पर भी क्यूब लग जाएगा, मतलब टू ए का क्यूब कितना हो जाएगा, एट ए क्यूब हो जाएगा, एट ए क्यूब, क्योंकि टू का क्यूब आपके पास क्या होता है, एट बन जाता है। ठीक है, अब जो कैंसिलेशन हो रही है वो आप कर लें बेटा। ठीक है, ये एक्स क्यूब हो गया,
ये थ्री हो गया, ये एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स हो गया, ये थ्री हो गया, ये एक्स हो गया, ये वन बाई एक्स स्क्वायर हो गया, ये वन बाई एक्स का क्यूब हो गया, इज इक्वल टू एट ए क्यूब हो गया। अब आप इसको सिंपली कैंसिल करेंगे और कैंसिल करके वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए ये एक्स कैंसिल हो गया, ये वाले एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे बच गया एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, और यहाँ पे बच गया थ्री एक्स, और यहाँ हो गया थ्री अपॉन एक्स, ठीक है, और ये हो गया आपके पास एट ए क्यूब। समझ में आई बात, यहाँ तक की कहानी सबको समझ में आ गई? हाँ भाई देख लो भाई, सही है यहाँ तक, क्लियर है भाई यहाँ तक का मामला? ठीक है, अब देखो तुम प्रीवियस में तुम्हारा वैल्यू किस चीज़ की गिवन है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू तुम्हें गिवन है। तो अब देखो यहाँ पर एक काम ये हो सकता है कि ये एक्स क्यूब प्लस का वन बाई एक्स क्यूब हो गया, यहाँ दोनों में थ्री कॉमन है, तो थ्री आप कॉमन निकाल ले, तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू एट ए क्यूब, इज इक्वल टू एट ए क्यूब। इसकी वैल्यू हमें गिवन है एक्स प्लस वन बाई एक्स की, कितनी गिवन है, टू ए के बराबर है। किसके बराबर है, टू ए के बराबर है। तो टू ए के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू टू ए इज इक्वल टू एट ए क्यूब। तो तुम्हारे पास बन गया ये एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू एट ए क्यूब माइनस का सिक्स ए। कैसे, टू थ्री का सिक्स हो गया, प्लस है, उधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इक्वेशन नंबर टू ये हो गई। अब आप इक्वेशन नंबर वन देखिए, ये बनेगी, दोनों की एक साइड सेम है हमारे पास, दोनों की एक साइड क्या है हमारे पास, सेम है। तो अगर दोनों की एक साइड सेम है तो यहाँ देखिए एट ए क्यूब माइनस का सिक्स ए इज इक्वल टू कितना हो गया, बी क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये कहाँ से आया सर, ये यहाँ से आया, ये कहाँ से आया सर, ये आप प्रीवियस में जाके देखें, जो आपने कंपेयर कराया है उसमें बी क्यूब मौजूद है। क्लियर है भाई सबको, नबीहा, मोहम्मद उस्मान, किन्जा, ठीक है, क्लियर हो गई बात। इस सवाल को हमने इस तरह से करना था क्योंकि ये सवाल बनेगा ही इसी तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे पास्ट पेपर के, पास्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं ना, अब आप पास्ट पेपर उठा लीजिए, बुक उठा लीजिए, आपको बड़े आराम से आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो भी सवाल आते हैं ना, वो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से करा दिए। अब अगर आप एम सी क्यूज़ करना चाह रहे हैं तो अभी हम एम सी क्यूज़ कर लेते हैं चार पाँच, कि किस तरह के एम सी क्यूज़ और आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एम सी क्यूज़ की प्रैक्टिस भी अभी करा रहा हूँ। देखिए आपके पेपर में ना इससे रिलेटेड बहुत कम एम सी क्यूज़ आते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको इससे हट के भी एम सी क्यूज़ करा दे रहा हूँ कि किस तरह के एम सी क्यूज़ आपको पेपर में मिलेंगे, ठीक है। चलो एम सी क्यूज़ देखते हैं, सही है। अब देखो भाई इसमें ना आपने एम सी क्यूज़ एक दिया हुआ है आपके पास कि एक्स प्लस ए इज इक्वल टू ज़ीरो और b प्लस सी इज इक्वल टू क्या है भाई, b अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। एलिमिनेट x, एम सी क्यूज है, ऑप्शन आपके पास मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या ऑप्शन है, सही है। l बराबर है b इंटू सी के, ए बी बराबर है c के, ये ऑप्शन c दिया हुआ है, ए डी बराबर है b c के, या डी बी बराबर है माइनस ए सी के। चलो भाई जल्दी जल्दी सारे लोग सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ क्या आंसर आ रहा है, फटाफट भाई, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे ये सॉल्व होगा, फटाफट भाई सारे जल्दी, शाबाश। हाँ भाई क्या आंसर आ रहा है भाई, नबिया का आंसर आया है, बी आंसर है सर। चलें भाई देखते हैं भाई, बी आंसर है नहीं है। हाँ भाई क्या आंसर है भाई, बी आंसर है, पक्की बात है। हाँ भाई पक्की बात है, बी आंसर है। हाँ भाई बाकी लोग भाई, किन्जा, मोहम्मद आमिर, अब्दुल राफे, हाँ भाई जल्दी से भाई, शाबाश, डी आंसर है, ठीक है। मोहम्मद उस्मान कह रहे हैं डी आंसर है, सही है। नबिया कह रही हैं सर बी आंसर है, मोहम्मद उस्मान का डी आंसर आ रहा है, किन्जा भी कह रही है डी आंसर है। चलें भाई देखते हैं क्या क्या सूरत हाल है, ठीक है। सवाल को सॉल्व करते हैं, एक्स को एलिमिनेट करना है। मैंने आपको शायद शुरू की क्लासों में बताया था, एक्स प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो है, एक्स की वैल्यू माइनस ए आ गई।
अब दूसरी जो एक्सप्रेशन है ना जिसमें एक्स मौजूद है उसमें ले जाके ये एक्स ए की वैल्यू रख दें आप, एक्स की वैल्यू, तो बी इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस ए सी। आपने ये एक्स की वैल्यू उठाई यहाँ पे पुट की, डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, डी इज द राइट आंसर। हाँ भाई समझ आया सबको? सबको समझ में आया भाई कि हमने एम सी क्यूज, इस तरह का एम सी क्यूज था हमारे पास, बड़े आराम से हमने इसको कर लिया। ठीक है तो एम सी क्यूज तो आप कर लेंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। ठीक है चलें अगला सवाल देता हूँ भाई मैं, अगला सवाल करते हैं। सही है देखो भाई, ए एक्स बराबर है किसके, बी के, और सी एक्स बराबर है डी के। एलिमिनेट करना है एक्स को, एलिमिनेट एक्स। ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको, ऑप्शन आपके पास क्या है, ए डी बराबर है बी सी के, बी ऑप्शन ए बी बराबर है सी के, सी ऑप्शन बी बराबर है माइनस ए सी के, और डी ऑप्शन ए सी बराबर है बी डी के। चलो मेरा बेटा जल्दी जल्दी बताओ भाई क्या आंसर आएगा। हाँ भाई शाबाश जल्दी जल्दी, सही है बेटा। अभी सॉल्व करके तो दिखाया आपको, देखिए लेक्चर को दोबारा से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा कैसे करवाया मैंने। ठीक है हाँ भाई फटाफट भाई, हाँ भाई क्या आंसर आ रहा है? बहुत सारे लोगों का आंसर आ भी गया है, बी डी और डी, दो लोगों ने डी आंसर किया है, डी इज करेक्ट वन। ओके हाँ भाई चलें देखते हैं भाई। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, पहली एक्सप्रेशन से एक्स निकाल लो, पहली एक्सप्रेशन से क्या करो एक्स निकाल लो। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी अपॉन ए आ जाएगी, ए मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, दूसरी एक्सप्रेशन में ले जाके पुट कर दो। सही है, क्या लिखा हुआ दूसरी एक्सप्रेशन में, सी एक्स इज इक्वल टू डी, यहाँ रख दो बेटा बी अपॉन ए इज इक्वल टू डी, तो बेटा बी सी अपॉन ए हो गया। सही है बी सी अपॉन ए हो गया, ठीक है बी इंटू सी बी सी हो गया डिवाइड बाई ए हो गया, तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया ए डी हो गया, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सही है भाई सबको समझ में आई बात, सारे लोगों ने मुझे गलत आंसर दिया है। सही है बी सी इज इक्वल टू ए डी, मतलब यानी ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो मतलब मकसद क्या है, ए इज द राइट आंसर। सही है भाई सबको बात समझ में आ गई, किंजा अब्दुल राफे नबीहा, ठीक है मोहम्मद उस्मान, उस्मान ने बिल्कुल सही आंसर दिया था मुझे। ठीक है भाई बात समझ में आ गई, चलो क्लियर है भाई सबको, आगे चलें अगला एम सी क्यूज करें, अगला एम सी क्यूज करें। चलो नेक्स्ट देखो, अगला एम सी क्यूज देखो बेटा, एक्स बराबर है टी के, वाई बराबर है टी स्क्वायर के, एलिमिनेट कर दो टी को। ऑप्शन बता रहा हूँ, ऑप्शन ए, तुक्के नहीं मारो भाई तुक्के नहीं मारो, ठीक है एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वन, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। चलो भाई अल्लाह अकबर नबी है बेटा, देखो इधर देखो, इधर देखो प्रीवियस पेज में देखो, तुमने पहले एक्सप्रेशन से एक्स को अलग किया, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया बी अपॉन ए हो गया। अब ये जो एक्स की वैल्यू है ना बेटा, उठा के आप दूसरे इक्वेशन में डाल दो, सी एक्स बराबर डी के, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो बी अपॉन ए, ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई हो गया, ये ए इंटू डी बन जाएगा, ये बी इंटू सी बन जाएगा, तो बी सी बराबर ए डी, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना भैया बात समझ में आ गई। ठीक है हाँ भाई इस सवाल का आंसर भाई जल्दी से शाबाश। हाँ भाई शाबाश भाई, जल्दी जल्दी भाई आंसर बताओ इसका फटाफट। हाँ भाई अब्दुल लाफे किंजा नबीहा, हाँ भाई आमिर उस्मान,
अच्छा, मैं कर देता हूँ। चल ये ले भाई, स्लाइड चेंज कर दी मैंने। चलो भाई आंसर बताओ जल्दी जल्दी। शाबाश। हो गया भाई। चलो आंसर नहीं आया मेरे पास किसी के। किंजा, नबिया, अब्दुल्ला फे, मोहम्मद उस्मान। हाँ भाई, क्या आंसर होगा भाई इसका? सी आई थिंक। अच्छा भाई, आपको टी को एलिमिनेट करना है ना। टी को आपने क्या करना है? एलिमिनेट करना है। तो टी को एलिमिनेट करने के लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा? सही है। टी को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करेंगे बताएं? टी की वैल्यू निकालेंगे और टी की वैल्यू को अगली एक्सप्रेशन में पुट करा देंगे। बहुत आसान है बेटा। देखो टी बराबर है एक्स के। टी किसके बराबर है बेटा? एक्स के। यानी कि जहाँ पे टी है वहाँ पे आप एक्स रख सकते हैं। तो वाई बराबर है टी स्क्वायर के। वाई बराबर है किसके? टी स्क्वायर के। तो टी जो है वो एक्स के बराबर है। तो टी को हटा के हम लोग अगर यहाँ पे एक्स रख दें तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर। बन गई एक्सप्रेशन। ठीक है, ये असल में मेरे ख्याल से ऑप्शन में गड़बड़ हुई है कि मैंने इसको यहाँ पे, ये डी ऑप्शन में जो है ना, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ये होगा ऑप्शन। ठीक है, चलो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये इसमें गड़बड़ हो गई थी। चले सही है, तो ये डी जो है वो हमारे पास क्या होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर हो गई सबको बात? सबने कर लिया? चल चल चल, ठीक है भाई। अच्छा ये बताओ, एलिमिनेट करने के कितने मेथड होते हैं हमारे पास? एलिमिनेशन के हमारे पास कितने मेथड होते हैं? मेथड ऑफ एलिमिनेशन कितने हैं? मेथड ऑफ एलिमिनेशन कितने हैं भाई? एक हैं, दो हैं, तीन हैं। एमसीक्यूज आ गया। फर्स्ट एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, कितने हैं भाई? कौन कौन से भाई? मोहम्मद उस्मान। एक तो फॉर्मूला है, एक सब्सिट्यूशन है, एक कंपैरिजन है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे पेपर में नहीं आता इसलिए हम लोग करते भी नहीं हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। मतलब चार तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन की बात करते हैं तो वो चार होते हैं, याद रखिएगा इनको। ठीक है, सब्सिट्यूशन पढ़ाया भी था मैंने आपको, कंपेरिजन सही है, फॉर्मूला और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये चार मेथड से आप क्या कर सकते हैं? चार मेथड से आप एलिमिनेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा भाई देखिए भाई, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जो आपके बुक में है अलजेब्रिक सेंटेंसेस के नाम से, इंशाल्लाह। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 में पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे उसकी, उसके बाद मैं आपको उसके पास्ट पेपर के क्वेश्चन कराऊंगा। उसके पास्ट पेपर में अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं, तो कोशिश किया कि रहे बेटा इस लिंक को अपने लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिक, और जिनको मतलब पास पेपर में प्रॉब्लम है या आपके पास कोर्स में प्रॉब्लम है तो वह यहाँ आके अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना भाई? चलें भाई, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सही है, अल्लाह हाफिज़।